सरस्वती।
सवि दुरीतानि परासवे यद् भद्रं तन्हासवे। ओम तू ही कर ब्रह्म, तू ही सर्वे शक्तिमान, परले परले में तू ही प्रभु जी जीवन मूल प्राण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। जय जय मां सरस्वते माया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंस बहाइनी समायुक्ता विद्यादायिनम् करो मामे। गौरी नंदन गणराज का मैं प्रथम सुमरूं नाम, श्री चंद्रलाल सतगुरु मेरे दत्तनगर गुरु जी का ग्राम। आज का जो सांग है मेरे दोस्तों, ये शहीदों का सांग, ये शहीदों का सांग करने के लिए जा रहा हूं। आज तक ये सांग कहीं भी नहीं हुआ है जो कि मैं इस सांग को करने जा रहा हूं, क्योंकि हमारी हरियाणा सरकार, हमारे परम आदरणीय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री और सभी सारा भारत ही बड़ी धूमधाम के साथ में ये आजादी का त्योहार, आजादी का अमृत महोत्सव ये मनाने जा रहे हैं। मगर इस पर जो सांग है कि आजादी हमें कैसे मिली, हमने कितने दुख सहे हैं, हमारे शहीदों ने कितने बलिदान दिए हैं, हमारे कुनबे का कुनबा खप गया, मेरे दोस्तों आज जो हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं ये उन्हीं की वजह से तो ले रहे हैं। ये आजाद देश हमारा जो हुआ है, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए हैं, मेरे दोस्तों उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर आज भी वही जमाना होता अंग्रेजों का, क्या हम ऐसे सांग कर सकते थे? क्या हम ऐसे बैठ सकते थे? मान ने मार दिए हिरणा कुश, बेईमान ने पत रावण की खोई, सुमन सुम बिडार दिए बई बैठ मान में द्रौपदी रोई, बई राजा बासक पाताल गए, सजनों मान करा सो रहा ना कोई, हम तुम किस पे मान करें, चपनी भर चून चोबार रसोई। हम किसके ऊपर अभिमान करें? हम तो यही संदेश देते हैं कि घर में, परिवार में, घर गांव में, जिले में सारे भाई मिलके रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। कोई छोटी मोटी बात झगड़ा करें उसके बाद वो झगड़ा नहीं करना चाहिए मेरे दोस्तों। देखिए एक युग चला गया कि जिसने पौने 200 साल हमारे ऊपर शासन किया अंग्रेजों ने, 700 साल राज किया मुगलिया खानदान ने। मेरे दोस्तों अब तो संभल जाओ, अब तो उन वीरों को याद किए। हमारे देश में आजादी आई के 15 अगस्त सन 47 में, 15 अगस्त सन 47 में भैया आजादी का ख्याल किया। इधर मुकर के बैठ ऐसे। 15 अगस्त सन 47 में आजादी का ख्याल किया, सलाम उन शहीदों ने अंग्रेज को निकाल दिया। 15 अगस्त सन 47 में आजादी का ख्याल किया,
लक्ष्मी बाई झांसी की रानी मरी आन के ऊपर, देश के ऊपर जान खपा दी मरी शान के ऊपर, अरे देश के ऊपर जान खपा दी मरी शान के ऊपर। अरे तातिया टोपे और मंगल पांडे ने, तातिया टोपे मंगल पांडे ने शहीदों में बड़ा नाम किया, सलाम उन शहीदों ने अंग्रेज को निकाल दिया। 15 अगस्त सन 47 में गांधी जी ने चरखा कात्या आजादी के लारे में, भई राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मरे आजादी के बारे में, भई राजगुरु सुखदेव जब आई आजादी तिरंगा झंडा, आई आजादी तिरंगा झंडा हरा सफेद और लाल किया, सलाम उन शहीदों ने अंग्रेजों को निकाल दिया। जलियांवाला कांड देख के, जलियांवाला कांड देख के सारा भारत रे रोवे था, लंदन के मां उधम सिंह उस अडवायर ने तोवे था, अरे लंदन के मां उधम सिंह उस अडवायर ने तोवे था, अरे मार दिया उस पापी को, मार दिया उस पापी को, भाई उधम सिंह ने युद्ध मान किया, सलाम उन शहीदों ने अंग्रेजों को निकाल दिया। आजादी का अमृत महोत्सव जब भी पूरा होता है, जब के हम अपने शहीदों को याद करें, हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दें, हम अपने शहीदों के लिए अपने बच्चों को बताएं, अपने देश को बताएं, हर एक कलाकार का यह फर्ज बनता है कि शहीदों के बारे में। तो बड़ा भाग्यशाली हूं बहन जी कि शहीदों का सांग करने का मुझे आपने मेरे को एक अवसर दिया। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, वो कलाकार भी एक भाग्यशाली होता है जो कि शहीदों की गाथा गाता है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं बहन तानिया का। पूछे भाई भारत के मासूर वीर शहीद हुए बड़े बलवान, सांग सम्राट चंद्रलाल के शिष्य हुए सूरजवान, सांग सम्राट गुरु चंद्रलाल के शिष्य हुए सूरजवान। अरे शहीदों का मैं गुणगान करूं, आज सुभाष बोस का सांग किया, सलाम उन शहीदों ने अंग्रेजों को निकाल दिया। ये 500 रुपए मेरे सज्जन हैं महेंद्र जी। महेंद्र जी इस शहीदी गीत के ऊपर खुश होकर के 500 रुपए का मुझे इनाम देते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, ताड़ी बजा दिया करो, बड़ी मेहरबानी।
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो लीजिए मैं सांग शुरू करता हूँ, सचमुच ज्यादा टाइम नहीं लेता। कलकत्ता शहर के अंदर, कलकत्ता शहर में दो भाई रहते थे, एक का नाम जानकी दास बोस, दूसरे का नाम राम बिहारी बोस। दो भाई रहते थे, आजादी के आंदोलन के अंदर दोनों भाई बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करते थे। मेरे दोस्तों, जानकीनाथ बोस के घर में 23 जनवरी 1897 को एक होनहार बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस उसका नाम रखते हैं। जब वो कुछ पढ़ाई के लिए पढ़ाई करता है, 10वीं पास कर लेता है, तो उसको लंदन में डिग्री पास करने के लिए लंदन में भेज देते हैं। मेरे दोस्तों, जानकीनाथ बोस और राम बिहारी बोस को, क्योंकि वो आंदोलन में बोलते थे, आंदोलन में कार्य करते थे, गांधी जी के साथ में अंग्रेजों ने पकड़ करके राम बिहारी बोस को काले पानी उतार दिया, वहां की जेल में डाल दिया। जानकीनाथ बोस को जापान की जेल में डाल दिया। जब सुभाष अपनी डिग्री पूरी करके घर आया, अपना गुलाम देश देख करके मन ही मन में बड़ा रोया, और आंदोलन के अंदर सुभाष चंद्र बोस भी कूद पड़ते हैं, वो भी कूद गए, ऐसी जनसभाएं करते हैं अंग्रेजों को जीना मुश्किल कर देते हैं। साजनों, अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस को नजर बंद कैद कर देते हैं उन्हीं के घर के अंदर, पहरा लगा देते हैं कि तुमने बाहर नहीं निकलना, बाहर निकलोगे तो तुम्हें भी काले पानी भेज दिया जाएगा। सजनों, नजर बंद कर देते हैं उन्हीं के घर के अंदर। सुभाष चंद्र बोस पड़े सो रहे थे एक दिन, उनके सपने के अंदर, उनके ख्वाब के अंदर भारत माता आती है। भारत माता कहती है, बेटा तुम एक भारत मां के शेर हो, तुम एक भारत माता के लाल हो। अरे भान मेरे बेटा, तुम्हारी मां ने तो तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा, मैं तेरे को सारी जिंदगी अपनी गोद में रखूंगी, अपने पेट में रखूंगी। भारत माता क्या कहती है सजनों, यहां से सांग की स्टार्ट है, यहां से सांग शुरू होता है। सभी जनता से प्रार्थना करूंगा, एक जोर से जय कनारा बोलेंगे, बोले भारत माता की, बोले गौ माता की, बोले भारत माता की। लीजिए सुनिए सांग। बेटा सुभाष, खड़े हो बेटा, बेटा तू चैन की नींद कुकर सो सके है, तने पता नहीं मैं अंग्रेजा के पंजा में हूं, मने आजाद करवा बेटा, मेरा दम घुटा बेटा, मेरी बात सुन। बलिदान
भूमिया भैरू रे देवता रे भूत
तमसाणी नगर भूमिया भैरू। किरसन समान ज्ञान गांधी का धर्म युधिष्ठिर नेहरू। तू अर्जुन बन के तीर चला दे ये पैदा होंगे कैरू रे। अर्जुन बन के रे तीर चला दे पैदा होगे कैरू। के सो वैसे उठ खड़ा हो करते भीम सफाई रे आंख खोल के रे देख ले रे होश बोश बल आई रे चल के कलकत्ते में आई आंख खोल के देख लिए होश बोश बल आई। बहुत अच्छे मैं खुश हो कहने वर दूंगी करो दया चंद कविताई। लीजिए आगे सांग सुनिए मेरे दोस्तों क्योंकि भारत माता सुभाष चंद्र बोस को कह करके बेटा उठ तूने कुछ करना है आगे बढ़ना है ऐसे सोता रहेगा तो मुझे आजाद कौन कराएगा बेटा। तो मेरे दोस्तों सवेरे का टाइम था उसकी एक भाभी थी शीलवती और एक थी मायावती दोनों आती हैं और सुभाष चंद्र बोस को जगाती हैं और क्या होता है सजनों सुनिए। सुभाष उठ खड़ा हो गुड मॉर्निंग। ए भाभी तूने आवाज दी है। हाँ हाँ उठ खड़ा हो दिन चढ़ गया है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं भाभी गुड मॉर्निंग नहीं जय हिंद बोलिए। जय हिंद बोले। हाँ जय हिंद बोलिए भाभी भाभी माँ जय हिंद का नारा बोलिए गुड मॉर्निंग नहीं बोलिए। सुभाष हाँ तने याद नहीं के तने पता नहीं के जय हिंद बोलनिया तेरा पिताजी जापान की जेल में सड़ रहा है तेरे चाचा बॉस बिहारी वो काले पानी तार दिए हैं और तू भी उसी लाइन पे चलन लग रहा है जय हिंद बोलेगा। भाभी ऐसे ऐसे सूरवीर योद्धा फांसी के तख्ते पर चले गए और इतने फांसी टूट गए मैं भाभी तेरे पास रह करके क्या करूंगा मुझे कुछ भारत माता के लिए कुछ करना है मुझे बाहर जाना है मैं दिल्ली जाऊंगा और कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। यानी समझदा बेबे तूने समझा भाई जब आपकी नहीं मान रहा तो मेरी के मानेगा। नहीं भाभी माँ नहीं मानूंगा मैं दिल्ली जाऊंगा।
सुभाष सारा कुणबा इसे में खत्म हो गया और तो ये लास्ट दिखे है। परिवार का ख्याल कौन इतना भाभी? सारी बात मान जूंगा मगर ये नहीं मानूंगा, मैंने भारत माता के लिए कुछ करके दिखाना है भाभी माँ। अगर आप आपने कुछ करना है तो हमारी बात सुनो। हाँ सुना। हाँ सुन के जाइए और फिर बताइए। जाड़ साज अंग्रेजी उतसे लुच्चे साथ बिलाता मैं ते। ओए होए 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 के कया के जाड़ साज अंग्रेज उतसे लुच्चे साथ बिलाता मैं ते और नू बोली के डके डकाए ढोल रहन दे केले गई नू बाता में। क्या कहती है? जाले साज अंग्रेज उतसे लुच्चे साथ बिलाता मैं ते डके डकाए ढोल रहन दे केले का इन बाता मैं ते। जाले साज अंग्रेज उतसे लुच्चे साथ बिलाता मैं ते डके डकाए ढोल रहन दे केले का इन बाता। अंग्रेजा ने घना मोटा जुल्म गुजार दिया जिन रोड़ी का पुल तैयार करया वो तरखान मिस्त्री मार दिया। जिन रोड़ी का पुल तैयार करया तरखान मिस्त्री मार दिया। हीरा लाल जुलाहा सुना हो वो पकड़ कैद में डाल दिया खुद तेरा चाचा बोस बिहारी काले पानी तार दिया। खुद तेरा चाचा बोस बिहारी काले पानी तार दिया। इस आजादी ने भगत सिंह से वीर खो दिए पंजाबी का तुरत डड़ा सा बगा दिया। एक इंद्रनाथ सुना होगा वो उम्र कैद में तुझा दिया चलिया वाला बाग में डायर मार मार मुंह सुझा दिया। चलिया वाले बाग में डायर ने मार मार मुंह सुझा दिया। तू के शहद क्या बात है।
बात। मेरी भाभी जितनी तो बात सुना रही है ना, एक एक बात ने बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। फिर ध्यान ला तू। अरे मैं नहीं सुन रहा, सारी जनता एक एक बोल ने बड़े ध्यान से सुन रही है। राम प्रसाद की आड़ है जड़, जड़ छोटी और भूल नहीं, चंद्रशेखर दिलीप सिंह की पड़े जगत के भूल नहीं, तेरे चंद्रशेखर की पड़े। प्रजा ने दुख देवे सहयो, राज धर्म का असूल नहीं, लिखत का सुथरा महक बिनायो, किसे काम का भूल नहीं, देखे सुथरा महक बिनायो, किसे काम का भूल नहीं। तू के खुशबोई लेगा सुन ले अरे बोल सुनियो, नुके तू के खुशबोई लेवेगा इन आँख डाक के पत्तिया में थे। आँख को जानते हो, कोई खुशबोई नहीं आती, डाक के पत्तों में से कोई खुशबोई नहीं आती। अरे तू के खुशबोई लेगा इन आँख डाक के पत्तिया में थे, ढके ढकाए बोल रहन दे केले दाढ़ी लबाता में, हाल हाल सुन झांसी की रानी का। अच्छा। अग्नि के मैं बात फूक दिया मैना देवी रानी का, लिखे अग्नि ही मैं गात फूक दिया मैनावती रानी का, धरती पे ते हर फूल खो दिया छोरा जाट जुलानी का, लिखे पड़े बिन पता चले ना अंग्रेजा की कहानी का, लिखे पड़े बिन पता चले ना अंग्रेजा की वाणी का, दया चंद ने भेद ढोलिया डायरी भरी खात्या में के ढके ढकाए ढोल रहन दे केले दाई भाभी। एरी भाभी। हाँ बस बोल। इतनी देर में क्यों बोली? इतनी देर में? हाँ। मेरा तो गढ़ सूख गया, तने समझा के। हाय हाय हाय। मेरे सजनों बड़ी भाभी थी, माँ के समान थी। वो सोचती है कि सारा कुनबा आजादी में चला गया, कोई जेल में चला गया, कोई फांसी टूट गया, कोई कुछ हो गया। अरे ये सुहास इसके भी यही लगन लगी। देख भाभी बात सुन ले, जो तूने बात सुनाई है नारनी मुंह से बोल, जो तूने बात सुनाई है आपको समझ में आई है? मेरी एक एक बात समझ में आई है, मगर मैं मानूंगा नहीं, मैं जाऊंगा। अच्छा। हर हालत में जाऊंगा मैं, ना मानना जाना है मने जावेगा। हाँ बिल्कुल जाओगे भाई। अरे देश गुरु गांधी के धोरे, अरे देश गुरु गांधी के धोरे, तेरी दिल्ली जाऊंगा तड़के में। अच्छा आई समझ में? आ रही है समझ। तेरी देश गुरु गांधी के दोहरे। अच्छा। दिल्ली जाऊंगा तड़के में, मेरा भारत देश गुलाम रहा आजाद करा तू लड़के में। देश गुरु गांधी के दोहरे,
पाप कलेश देश मेरा तेरी कोन्या घाट किसी ते श्री गांधी का प्रचार जगत में हो रहा बांध शशी ते श्री गांधी का प्रचार जगत में हो रहा बांध शशी ते तेरी मांगूंगा वरदान ऋषि ते मैं मांगूंगा वरदान ऋषि ते दिखे पाया के माँ पढ़ के मैं सिर काट लू और कटवा दू अंग्रेजा ते भिड़के मैं देश गुरु गांधी के दौरे दिल्ली जाके तड़के मैं मेरा भारत देश गुलाम रहा आजाद भारत माता तेरी कह देगी मैं तो वो एकार करूंगा जो भारत माता कह देगी मैं वो एकार करूंगा आइया ने के नेता बनाऊं आइया ने के तेरी नेता बनाऊं दिखे कलकत्ते ते निकड़ के मैं जिंदा रहा तो आन मिलूंगा जीव जासू बिछड़ के मैं देश गुरु गांधी के दौरे दिल्ली जाना तड़के मैं भारत देश गुलाम रहा आजाद करा लड़के सतगुरु मुंशी राम के तेरी सतगुरु मुंशी राम के मैं पांच चुकारूंगा कह दया चंद तन मन धन ते मैं सब कुछ वारूंगा कह दया चंद तन मन धन ते सब कुछ वारूंगा सतगुरु मुंशी राम के मैं पांच चुकारूंगा कहे दया चंद तन मन धन ते मैं सब कुछ वारूंगा कहे दया चंद तन मन धन ते सब कुछ वारूंगा निर्भय हो गोते मारूंगा निर्भय हो गोते मारूंगा तेरी गंगा जी में पढ़ के मैं नहात पुराण कहलाऊं और भजन कहूं गड़ गड़ के मैं देश गुरु गांधी के दौरे दिल्ली जागा तड़के मैं मेरा भारत देश गुलाम रहा आजाद कराऊं लड़के मैं फेरो भाभी भाभी माँ बोल सुभाष बोल तू सुन गया तने मैं सुन रही हूँ समझ रही हूँ सारी समझ रही हूँ मैं ये बात नहीं मानूंगा मैं जाऊंगा मैंने अपनी भारत माता के लिए कुछ करके दिखाना है अगर शहीद भी हो जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं है भाभी ये नहीं मानेगा भाई बिल्कुल भी तू ऐसी बात ना कर सुभाष तू जावेगा तू मानदा को नहीं मानूंगा जाऊंगा मैं यही प्रार्थना करती हूँ तू विजय होके आवेगा और जा तो रहा है सुभाष तो एक साड़ी ले आ मेरी साड़ी ले आती है साड़ी या कई इतने बात बढ़िया या बात लगी देख तेरी
तुमने जाने का ना रोक, तेरी साड़ी लिया दूंगा भाभी, जैसी कहेगी वैसी साड़ी लिया दूंगा। बताऊं फिर कैसी चाहिए? हाँ बता भाभी कैसी साड़ी चाहिए। भाई दोस्तों मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि टाइम का बड़ा वो है, ये सांग 3.5 घंटे का है, 3.5 घंटे का। ये मत सोचना भाई सूरज ने वराग्नि काट दी, वो छोड़ दी रिया छोड़ दी। हाँ कोई बात नहीं, जरा ध्यान से सुनना, लीजिए सुनिए भाभी क्या कहती है, सुनिए। साड़ी ला दे दुख दूरे उमरे भरे का हो। एक साड़ी के ऊपर एक पहले भी एक रागनी आई थी, उसके अंदर के था अक बोस इसी, ये पृथ्वी सिंह पे धड़क ने बनाई थी, बोस इसी साड़ी ला दे जिसकी हो चमक निराली। ये बोल था जी उसके अंदर बहन जी, कि जिसकी हो चमक निराली। मगर इन्होंने जो इस कवि ने दयाचंद माइने ने जो लिखा है इसके अंदर ये लिखा के बोस इसी साड़ी लिया दे दुख दूर उम्र भर का हो, दुख दूर उम्र भर का हो। क्या कहती है बोस बताइए? बोस इसी साड़ी लिया दे दुख दूर उम्र भर का हो, बोस इसी साड़ी लिया दे दुख दूर उम्र भर का हो, बोस पूरे दोस्तों। आप बहन जी ये लड़कियां
ये लड़की है पीएचडी कर रही है, जो भारत माता का रोल कर रही है यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से। ये लड़की ये बीए कर करके ये एमए कर रही है। ये जो लड़की है आशा, इसका नाम, ये म्यूजिक टीचर लगी हुई है करनाल के अंदर। तो लीजिए सुनिए भाभी। हाँ देवर। साड़ी तने ऐसी ले दू। अच्छा हैं? जैसी तने बताई ऐसी साड़ी उड़ज तो गई तो इसमें ही पहला बता। मैं उड़जी कोनी, मैंने साड़ी वही चाहिए जिसमें नक्शा मायने गांगा हो। अच्छा उसमें न उड़जू मैं? अच्छा उसमें नहीं उड़जे? नहीं नहीं। अच्छा ले सुन ले फिर मेरी बात। ठीक है अभी सुना दी। देख लिए जी सौ बताया तने भाभी ऐसा साड़ी का रंग देख लिए जिसा बताया तने भाभी ऐसा साड़ी का रंग देख लिए भाभी ऐसा साड़ी का रंग देख लिए ना मोटा ना पतला लत्ता खतर होगा खाती का। अच्छा। बीच में हिंदुस्तान की मोहर त्रिगुण रंग आजादी का श्री रामचंद्र लंका ने तोड़े बजता ढोल मुनादी क्या सत्यवान करी फोटू चित्र सावित्री की शादी का सत्यवान का फोटू चित्र सावित्री केल महात्मा जी का फोटू हेरे रे हेरे रे हेरे रे हरी केल महात्मा जी का फोटू चरखा भी संग देख लिए जिसा बताया तने भाभी ऐसा साड़ी का रंग देख लिए जिसा बताया तने भाभी ऐसा बिंदरा बंद का फोटू एरी मुथरा बिंदरा बंद का फोटू काशी का नक्शा होगा। अच्छा। एरी कलकत्ता बंबई दिल्ली झांसी का नक्शा होगा अंग्रेजा का चाल चलन बदमाशी का नक्शा होगा जितला खाने ता टूट लिए उस फांसी का नक्शा होगा जितला खाने ता टूट लिए उस फांसी का नक्शा होगा तेरी तख्ते ऊपर खड़ा होया हेरे रे हेरे रे हेरे रे तेरी तख्ते ऊपर खड़ा होया को खास भगत सिंह देख लिए जिसा बताया
अपने फोटू तने बताए। अच्छा। सारे होंगे साड़ी में। ठीक है फिर। चंद्रमा और सूरज 9 लाख तारे होंगे साड़ी में। अरे पीला हरिया सफेद रंग ये न्यारे होंगे साड़ी में। हेरी गांधी पटेल भगत सिंह ये सारे होंगे साड़ी में। गांधी पटेल और भगत सिंह सारे होंगे साड़ी में। सिंगापुर आजाद भोज का हेरे रे 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 रे। सिंगापुर आजाद भोज का ब्रह्मा का जंग देख लिए। जिसा बताया तने भाभी सा साड़ी का रंग देख लिए। जिसा बताया तने भाभी सा साड़ी का रंग देख लिए। राधे और कृष्ण का फोटो सीताराम छपा दूंगा। एक एक बोल। राधे और कृष्ण का फोटो सीताराम छपा दूंगा। तेरी 68 तीरथ कुरुक्षेत्र के सारे धाम छपा दूंगा। चारों पल्लिया के ऊपर गुरु मुंशी का नाम छपा दूंगा। तेरी चारों पल्लिया के ऊपर गुरु मुंशी का नाम छपा दूंगा। तेरी फोटो के माँ देख लिए मैना काम दिखा दूंगा। फोटो के देख लिए मैना काम छपा दूंगा। तेरी साड़ी के माँ उतरा फोटो तेरी दया चंद का अंग देख लिए। जिसा बताया तने भाभी उसका साड़ी का रंग देख लिए। तेरी जिसा बताया तने भाभी उसका साड़ी का रंग देख लिए। हाँ भाभी। हाँ देवर। आई बात समझ में? हाँ आगे बात मैंने तो समझ में। इब तो मेरा पेंडा छोड़ दो। साड़ी ना भूल जिए। मायना गाम लिखा जरूर होना चाहिए। मैं जरूर करा। भारत का नक्शा भी होना चाहिए। हाँ ठीक है लेके आऊंगा तेरी साड़ी। ठीक है ठीक है ओके ओके। अच्छा भाभी जिंदा रहा तो अण मिलूंगा। और मेरी तरफ से जय हिंद। जय हिंद। ओहो सर बहुत दिनों में आया हूं मैं। हमारे भट्टी साहब हैं उनके नाराज हो गए इतनी बात के ऊपर, क्योंकि एक तो अंखदा दिखना थोड़ा कम हो गया, एक घने दिना में मिले। हमारे परम आदरणीय एमसी साहब भट्टी साहब ये 500 रुपए से मेरा मान करते हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिन सज्जनों ने हर कली के साथ में हर बोल के साथ में इन बच्चों का मान सम्मान किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और करते रहेंगे। तो मेरे दोस्तों आके सुनिए किस्सा। रेल में बैठ करके दिल्ली आते हैं सुभाष चंद्र बोस, आकर के महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं, उनसे सलाह करते हैं कि सुनो जरा बात, क्योंकि जर्मनी और अंग्रेजों का उस टाइम पर बैर था, दुश्मनागी थी। और कहते हैं सुभाष चंद्र बोस मैं उनके साथ मिलकर के अपने भारत को आजाद कराऊंगा, मैं जर्मनी जाऊंगा। और क्या होता है सजनों, रेल में बैठ करके पिशावर जाकर के उतरते हैं, पिशावर से काबुल की ओर पैदल चल देते हैं मेरे दोस्तों। जंगलों में झाड़ों में पहाड़ों में जा रहे थे, ना अन्न ना जल ना कुछ। ओ हो क्या मुसीबत आई, जरा ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। अरे हो गया मुश्किल जीना, अरे ना अनजल पीना, बोस चल दिया लखीना, अरे टप टप पड़े पसीना,
गर्मी का काम पड़े रे 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 सुख मिले बोस पैदल दिन रात चले बोस पैदल दिन रात चले चणू चले बछेरा शेर सा चेहरा लाग्या वेरा शेर सा था चेहरा गर्मी आसाम पड़े रे 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 सबका हुक मिलेगा आजादी का सुख मिलेगा आजादी का सुख और दुख दिहाड़िया में फिर झाड़िया में गीतवाड़िया में कदे पहाड़ा में पैरा ते लहू पड़े रे 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 बोस तो चले यार लखीना टप 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 पड़े रे पसीना गर्मी का काम पड़े रे 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 काम एशिया की सारी जुड़े शेर की तो को न्याड़ मुड़े आए शेर की तो को न्याड़ मुड़े उड़े थम चाले ना गम चाले हर दम चाले उड़े बम चाले रण में कोई वीर लड़े रे 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 बोस तो चले दिया रे लखीना टप 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 पड़े रे पसीना गर्मी का गाम पड़े रे 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 अरे बैठ लो अरे बैठ लो ब्राह्मण हरि जन जाट या रेल से बिना ड्राइवर गाट रेल से बिना ड्राइवर गाट रे काट फंद गोपाल नंद आजाद हिंद कह दया चंद कविता में नाम पड़े रे 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 सुनिए सुनो बच भाई भाई दोस्तों ध्यान से सुनना आ है हर बसर में ये बू है हर बसर में ये बू के मैं बड़ा हूं मैं बड़ा अरे मारा उस भगवान ने जिसने कहा के मैं बड़ा एक हाथी चिड़िया के बच्चों को मसल कर चल दिया चिड़िया बोली हाय रे जाली में मिटा कर चल दिया वो गज बोला मैं बड़ा हूं मैं बड़ा
एक रोज जल में खींच लिया, ग्रहे ने गज को खींच कर बोला, बता दे तू बड़ा या मैं बड़ा। मारा उस भगवान ने जिसने कहा के मैं बड़ा। मेरे दोस्तों, पहाड़ों के अंदर चला जा रहा था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का पैर फिसल जाता है एक पहाड़ी से और धड़ाम देसी के नीचे गिरता है, सिर पट जाता है, पैरों में चोट आ जाती है। कई दिन हो गए खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, बेहोश होकर के गिर जाता है। फिर बे माता आती है, भारत माता आती है और फिर जगाती है। अरे बेटा सुभाष, तू इतना बेहोश हो गया, तू इतनी हिम्मत हार गया, अरे बेटा उठो और आगे चलो, तूने तो बड़ी मंजिल चलना है। मेरे दोस्तों, सीरियस रागनी है, बड़ी सीरियस रागनी है, बड़े ध्यान से सुनना। भारत माता आती है और क्या कहती है? बेटा सुभाष, खड़े हो बेटा, हिम्मत ना रहे बेटा, तने यो देश आजाद करवाना है। तू इतना तोड़ा हार नहीं मान सकता बेटा, तुझे बहुत लंबी मंजिल चलना है। हौसला रख बेटा और मेरी बात सुनो। है मैं सबसे बड़ी, मेरे दुनिया पैरों पड़ती। हुस्न कहे मैं सबसे बड़ा, मेरी दुनिया ज़ारत करती। तकबीर कहे मैं सबसे बड़ी, मैं तो बीच कचहरी लड़ती। तकदीर कहे तुम तीनों झूठी, मैं जो चाहे सो करती। रे हिम्मत का हो राम हिमाती, नू बोली रे हिम्मत का हो राम हिमाती। तू हिम्मत मत नारे हारे, सत्संग करके तिरा करे से लोहा काट के सहारे, लोहा काट के सहारे। तेरे हिम्मत का हो राम हिमाती, हिम्मत मत ना हारे, सत्संग करके तिया करे से लोहा काट के सहारे। बेटा लोहा काट के सहारे। तू हिम्मत हार गया ते भारत गुलाम रहेगा, ते अंग्रेजा के पंजा नीचे नुए पिटता चाम रहेगा। हिम्मत मत ना हार बहादुर, तेरी मदद में राम रहेगा। धरती और आकाश रहेंगे जब तक तेरा नाम रहेगा, जब तक तेरा नाम रहेगा। हिम्मत चीज बड़ी से क्यों ना भारत ने उभारे, सत्संग करके तिरा करे से लोहा काट के सहारे। बेटा लोहा काट के सहारे। हिम्मत की इमदाद करे हर, हिम्मत की इमदाद करे हर,
सुनो खोल के कान, हिम्मत हारे हर ना मिलते नू कहते भगवान, हिम्मत के कारण सिद्ध होते हिम्मत बिना वीरान, हिम्मत मत ना हारे बंदे चाहे चली जा जान रे बेटा चाहे चली जा जान, हिम्मत करके नाम रटे जा जो बिगड़े काम सवारे, सत्संग करके क्रिया करे से लोहा काट के सहारे, तेरे लोहा काट के सहारे जाने मजा चखा दे, जय हिंद की रखे मेरे तू, रफल तोप और तेग चलानी सब जाने हथ फेर तू, चुस्त और चालाक बहादुर पट्टे बाज दिलेर तू, क्यों मरने का फिक्र कर ऐसा इस भारत माता शेर तू, भारत माता शेर तू, हो जाने आजाद बड़ा क्यों पापी जरे में बारे, सत्संग करके किया कर से लोहा काट के सहारे रे बेटा लोहा काट के सहारे, सीखना ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ढोलक और हारमोनियम बाजा साथ में समान चाहिए, बोस की कहानी का इब करना तने बखान चाहिए, हाथ जोड़ के लेक्चर करना सुरीली सी जुबान चाहिए, सुरीली सी जुबान चाहिए, नेताजी का प्रचार जगत में करना चाहिए रे सारे, सत्संग करके किया करे से लोहा काट के सहारे रे बेटा लोहा काट के सहारे। ओए होए मेरे दोस्तों, भारत माता उसको फिर कहती है कि बेटा उठ, अभी तूने बहुत मंजिल चलना है, बहुत कुछ कार्य करना है। आंखें खुलती है, फिर देखता है, हाँ मुझे कोई आवाज आई है, हैं शायद ये भारत माता की ही आवाज हो जिसने मुझे फिर हिम्मत बांधी है मेरी, मैं चलता हूं आगे बढ़ता हूं। सजनों, चलता चलता काबुल के अंदर आ जाता है। काबुल के अंदर एक सराय थी, सराय के अंदर भटियारी थी, दो भटियारी थी, और वो भटियारी से जाकर के मिलता है। सजनों ध्यान से सुनना, ये उस शहीद की कथा है, ये उन शहीदों की कथा है मेरे दोस्तों, जिनकी वजह से आपके बच्चे आईएएस बन रहे हैं, जिनकी वजह से आपके बच्चे जो हैं वो एसपी डीसी और वो बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, आज वो उन्हीं की वजह से बनते हैं मेरे दोस्तों, ये उसकी कथा है मेरे दोस्तों। बड़े दिल से, बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए आपने। लीजिए सुनिए, हल्का भवानी खेड़ा अमेले पीसंबर दास वाल्मीकि जी, ये 1100 रुपए देते हैं, ताड़ी बजा देना मेरे दोस्तों। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि अपने बच्चों का बहुत अच्छी प्रकार से हौसला अफजाई कर रहे हैं, अपने बच्चों का मान सम्मान कर रहे हैं। मेरे दोस्तों जरा सुनिए, भटियारी के पास जाता है और क्या होता है।
हाँ जी मैंने कहा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कौन हो तुम, कहां से आए हो? सजनो जैसा देश वैसा भेष, जाकर के मुसलमानी भेष धार लेता है, मुसलमानी भेष धार करके और वही भाषा बोलता है जो मुसलमानों की होती है। क्या काबुल के अंदर कैसे बोलता है सुनिए सुनो। मैंने कहा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कौन हो तुम और कहां से आए हो, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम हाँ हाँ निजामुद्दीन मोहम्मद है मेरा नाम। तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? मैंने एक रात के लिए आपकी सराय में रहना है। अच्छा बताइए रह सकता हूँ? मिल जाएगी रह सकते हो। अच्छा। पैसे लगेंगे हाँ हाँ पैसे। कितने पैसे लगेंगे? एक मिनट के 100 रुपए लगेंगे। सुनियो लोगों, 1 मिनट के 100 रुपये हाँ। भटियारण क्यों जुलम ढहान लग रही मेरे ऊपर? मैं परदेसी मानस तेरी सराय में आ गया, हम तो ऐसे आदमी हैं कि हमारा कोई चले जाने हम तो रोटी भी दें चाय भी दें नुहावे धुआवे बिठावे और थम पीछे मांगो। ये काबुल है काबुल, रहना है तो रह रही है। अच्छा नहीं तो वो पड़ा रास्ता, दफा हो जाइए यहाँ। देखो ऐसी बात है, बात सुनो 1 मिनट को 100 रुपए तो हो नहीं सकते, मगर मैं आपको 500 रुपए देता हूँ, मुझे रात रात रहना है। ठीक है रह सकते हो तुम, वो रहा तुम्हारा बिस्तर, जाओ और सो जाओ। रोटी रोटी नहीं मिलती? ये कोई खाने का समय दिखता है आपको? सब जा चुके हैं खाना बनाने वाले, वो पड़ा देख बिस्तर, चल जाके सो जाओ। बड़ी खतरनाक है भाई। ठीक है कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, रात का समय था, सराय के अंदर ठहर जाता है, रात का समय पुलिस आती है और पुलिस आकर के डांट मार करके उठाती है, मगर सजनों उनसे पेंडा छुटाने के लिए 500 रुपए उस पुलिस वाले को दे देता है, एक सोने की घड़ी थी हाथ में वो घड़ी उसको दे देता है पुलिस वाले को। ये सारा सीन भटियारी देख रही थी और क्या आपस में बात करती है? ये तो बड़ा मालदार आदमी है, मेरे को तो लगता है इसके पास बहुत सारा पैसा हाँ, है। 500 रुपए इसने हमें दे दिए, 500 सिपाही को दे दिए हाँ, और ऊपर से सोने की घड़ी हाँ, भी दे दी। ऐसा करते हैं इसके पैसे ले लेते हैं और आज रात को इसको खत्म कर देते हैं। हाँ है? ऐसे ही करेंगे, आज रात हम सोएंगे नहीं, आज रात तो इसका काम तमाम ही कर देंगे। आज रात को इसका काम तमाम और सारे पैसे हमारे। छुरा लेकर के और सोते हुए के ऊपर वार करती है भटियारी और क्या होता है सजनों सुनिए। मेरी जान तो ना ले। ठीक है वो बैग हमें हवाले कर दो। हाँ। अच्छा और हमें कोई मतलब नहीं है। देखो भटियारी बात सुनो, सुनाओ जितने पैसे मेरे पास हैं मैं सारे तेरे को दे सकता हूँ। ठीक है मगर एक मेरी बात सुन ले। बोलो। ज्ञान की बात सुनाऊंगा तने। कोई नहीं सुनाओ। ठीक है तू मेरी जान लेने के लिए तू उतर गई, छुरा लेके मेरे पे मारन आई मने, तेरी शर्म आनी चाहिए तने भटियारी। ठीक है सुनाइए। वो छोड़ो अपनी बात सुनाओ तुम बस। अच्छा जी हाँ मारने के लिए तैयार हूँ मने? बिल्कुल। जमी हलाल करने खातिर तैयार हूँ बिल्कुल। अच्छा ले बात सुने। सुना दो। करते अच्छा तेरी घर आए मानस के सिर ने कट्या ना करते तेरी धोखा देके परदेसी के सिरे ने काट्या ना करते। ओ
मन हलाल करेगी मैनू बुझू सू तेरी मन मार के के तू पारती रहेगी तेरी नू बुझू सू तू मन मार के तू के पारती रहेगी तेरी परदेसी की रकम लूट के तू अपना पेट भरेगी तेरी दो दिन छिक के ते खा लेगी ते भूखी रांड मरेगी तेरी दो दिन छिक के खा लेगी फिर भूखी रांड मरेगी तेरी बेईमाने ते पूरे सदा कदे पट्या ना करते खेड़े के एमएलए साहब 1100 पहले दिए 1100 और देते हैं इस रागनी पे खुश होकर के। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत मशहूर हूं मैं आपका। बहुत अच्छे घात करे प्यारे का ठीक है सब ते मोटा हेरी जुलम बताया अच्छा। दया धर्म हारे का मोटा जुलम बताया दया धर्म हारे का हेरी सात जन्म तक पाप छुटे ना मानस के मारे का घूट भर तेरी घूट भरे ते पता चले से मीठे और खारे का तेरी घूट भरे ते पता चले से मीठे और खारे का तेरी अमृत जान के जहर ने अमृत जान के जहर ने अच्छा। कदे चटा ना करते हरियाए मानस के सिर ने काटा ना करते लूट मार कर गे रे धन लोभी ने लाखा मानस मार कूट कह गे पई एक दिन कहने लग्या कुण बेते पाप बाट लो अच्छा। मेरे वेन्यू बोले के पाप पुन के
हम ना साथी तेरे बोले पाप पुन के को ना साथी तेरे घर के मानस पाप का हिस्सा के सिर में पट्टिया ना करते धोखा देते परदेसी ने डाटिया ना करते घर आए मानस के सिर में सब पाप छूट जा गंगा जी में नहाले रे काया के सब पाप छूट जा गंगा जी में नहाले उस घर अरे उस घर जाना चाहिए जो आतर करके बुला ले रे नटन का मेरा धर्म नहीं चाहे बालक भजन गवा मेरा धर्म नहीं बालक भजन गवा रे तेरी गान की कार दया चंदे तेरी गान की कार दया चंदे नट्या ना सिर ने काट्या ना करते मेरे घर आए मानस के सिर ने काट्या ना करते आई कुछ समझ में जी जी आ गई आपकी सारी बात समझ आ गई मेरा तो पसीने आ गए धन समझ मानी चाहिए माफ कर दीजिए हमें हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती होगी माफ कर दो हमें मैं सर एक बात मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ अभी 20 महीने हुए हैं 21वां लग गया है मेरी बाईपास सर्जरी हुई है सर मगर पता नहीं इतने लोगों की दुआ ने मेरे को कैसे बचा मैं मर के जिया हूं मर के मतलब 72 घंटे में होश आया मर के जिया हूं मैं और मेरे अंदर फिर भी इतना जोश है कि फिर भी इतने ऊंचे सुर से गा रहा हूं मैं हाँ विशंबर वाल्मीकि भवानी खेड़ा देखिए 1100 1100 2200 और 1100 3300 रुपए देते हैं मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ भवानी खेड़ा वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एमएलए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सुनिए सजनो सांग सुनिए ध्यान से सुनिए हाँ जी बटियारी तेरी बात आई समझ में जी जी आ गई सारी बात समझ आपने जो भी इस रागनी में हमें समझाया है गा सारी बात एक एक बात हमें समझ आ गई है बस हमें माफ कर दो माफ कर दीजिए गलती हमने करी है माफ ये तो नहीं किसी मुसाफिर के लिए था काम करने किसी के साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे यू तो मैं था थम छोड़ दी जो कोई ऐसा कोई और समझा नहीं तेरे ही काम समाम कर देंदा माफ कर दीजिए हमें दोबारा से माफी मांगते हैं ये मेरा मैं औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाया करता मैं औरतों की बड़ी इज्जत करता हूँ मैं औरतों से पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं बड़ी इज्जत करता हूँ औरतों की इसलिए तुम जाओ किसी और के साथ में ऐसा काम मत करना नहीं करेंगे सजनो सवेरे हो जाता है फिर चल देता है आगे काबुल था एक कुएं के ऊपर पनिहारी काली चुनी होनी चाहिए सबके पास हाँ पनिहारी पानी भर रही थी मेरे सजनों उनके पास में जाता है पानी पीने के लिए जाता है
क्योंकि ना रात को रोटी खाई ना कुछ, पानी का बड़ा तिसाया। सजनों जा करके उन पनिहारियों से पानी मांगता है और क्या होता है मेरे सजनों, ध्यान से सुनना। एरी पनिहारियो फटाफट बोलो बेबे पानी भरना है। चले पानी भर क्या होंगे, चले आई भर ली आगे दम ना है बेबे भरण लग रहे हैं। चल भर लो फिर, मन भी भरना है। हाँ कर लो एक थोड़ी। चल बेबे चल। एरी पनिहारियो। हाँ जी एरी पानी पिया दो। पानी पिया दे। हाँ कौन है तू, कित्ते आया, नाम के है तेरा, के चाहिए तने? परदेसी हूँ परदेसी। अच्छा फिर हम के कह रहे हैं? हमने मैंने पानी पीना है। पानी पीना है? हाँ। मेरे दौरा तो बहुत काम है। ए सेठानी तू पिया दिए, मैं तो चली अपने घर। ले बेबे यहाँ भी चली गई। ए बेबे मैं भी जाऊँ, मैंने भी पूरा जो बहुत काम है घर मैं भी जाऊँ। बेबे मैं भी जाऊं। तुम तो सारे नाटन लग रही हैं, मेरे तो रखे घना ही टाइम रखा है, मैं भी चलू। ए बेबे तो ये प्या दिए पानी। यही प्या दे। जाओ 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 जाओ। हाँ जी मैंने कहा नमस्ते 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 तो एक बार होती है, आपने तो तीन चार बार की है। अरे नमस्ते बोलने वाले कहाँ से आ गए आप, ये काबुल है, यहाँ अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। अच्छा मैंने तो आपकी वेशभूषा देख करके इसलिए नमस्ते बोली कि मुझे ऐसा लगता है शायद ये साड़ी बांधे हुई है कोई हिंदू है, इसलिए मैंने आपसे नमस्ते बोली है। ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक पिछानी, हूँ तो मैं हिंदू, पर आप कौन हो? आप हिंदू हैं? जी मैं हिंदू हूँ। मैं भी सच बताता हूँ, हिंदुस्तान से आया हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। अच्छा। हाँ मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है। अच्छा। मैं लाला उत्तम चंद से मिलना है। अरे उत्तम चंद जी से मिलना है? हाँ जी। अरे वो तो मेरे पति है, चलिए आप मेरे साथ, मैं मिलवाती हूँ आपको उनसे। अच्छा जी जी तो चलिए चलिए चलिए। सजनों उत्तम चंद जी के घर आ जाता है, क्या क्या कहती है सिठानी बोलिए। देखिए वो ऊपर चुबारा है। अच्छा। उस चुबारा में जाकर आराम से बैठ जाइए, बाहर निकलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा। जे किसी ने गलती से भी काबुल में बेरा पट गया कि तू हिंदुस्तान से आया है तो तेरी बोटी बोटी काट कर गिर देंगे। ना 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 मैं बिल्कुल नहीं निकलता अंदर, मैं ओड़े खान पीन का चाय पानी का सारा इंतजाम कर दूंगी। बस मेरे भाई उत्तम चंद ने सेठ जी से मिला दे। जी 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 आप थोड़ी देर रुकिए, वो आते ही है। अच्छा आते ही मिलवाते। ठीक है। सखी सहेली आती है फिर और फिर पूछती है ए कौन है वो थारा जो आया, ये कौन है, के है, के नाम है, चलो ए कौन है, यू नहीं यू तो छोरा बताओ बे, पहला कदी देखा कौन ही, नहीं तो हम क्यों माल की डाल उड़काई हो बे, ए बता दे ने कौन है इतना सुचरा छोरा यो है, क्यों जमा थारे 70 आदमी आ, मैं पूछूं कदे फिर क्या हो गया ना बेबे, मैं कौन बता, मैंने तो इस करके पूछ लिए, इतना सुतरा छोरा देख के पूछ लियो रे बेबे, दाल में कुछ काल है बतांदी कोनी के बात, उस तो लगे भाई ए दूर का रिश्तेदार है हमारा। अच्छा बेबे दूर का रिश्तेदार मैं बता कौन सकती, आ जोड़ का माफी मांगू चली जाओ। अच्छा कौन ही मानने तुम्हारी बात सुन भी। हाँ, चल बात ए सुना दो थारे के रेडी कर सुनाओ। सुनिए कहती है कौन से घर थारे में, क्या कहती है सखी सहेली दोबारा बोलिए, कौन सहेली कौन से यो डटरिया घर थारे में, बिजली जैसा चांदना चौकर दे चंद्रमा सते
सखी सहेलियों की रागनी है, मगर सुनने की एक एक बोल सुनने का है। सुनिए ध्यान, हमारे पिशंबर, हमारे एमएलए साहब भवानी खेड़े से 3300 पहले 1100 और देते हैं। आय हाय हाय, क्या बात है, 3300 3400 रुपए देते हैं। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कोयल की झू हो, कोयल की झू कुके बोले मोर की तरिया, चंद्रमा पे मोहित सखी चकोर की तरिया, चंद्रमा से चोर की तरिया, क्यों पीतर बंद कर राख्या सैयो डोर की तरिया, पीतर बंद कर राख्या सैयो डोर की तरिया, घूमन दो आजाद फिरन दो, पठानों की लड़की थी, क्योंकि वो बड़ा सुंदर था, सुभाष चंद्र बोस, हट्टा कट्टा नौजवान, 6 फुट का बड़ा सुंदर सरीला, तो उसको देख करके वो मोहित भी हो जाती है, मगर जो सिटाणी थी वो बिल्कुल भेद नहीं बताती उसकी, कौन है, कहां से आया है, क्या नाम है। मेरे दोस्तों, थोड़ी देर में उत्तम चंद जी आते हैं और क्या होता है, सेठानी, आज तो बहुत खुश नजर आ रही है, के कारण से? बस मैं के बताऊं, मेरी खुशी का कारण, मेरी बात सुनो। हाँ। आज अपना एक बहुत खास मेहमान आ रहा है। अच्छा, कौन आ गया? हिंदुस्तान का सुभाष चंद्र बोस। हिंदुस्तान का सुभाष चंद्र बोस? हाँ। मेरा दोस्त, मेरा मित्र। हाँ। वो आ रहा है। हाँ। तू एक काम कर सेठानी,
तू इतना चाय पानी लिया हाँ। और मैं अपने दोस्त से मिल करता हूँ। मेरी बात सुन हाँ? ऊपर चुबारा में है, मैंने उस दिन कही थी बार नाली गड़ी है। अच्छा जा उसके उसका दौर है और मैं इतने चाय पानी का इंतजाम करूँ। ठीक है ठीक है सेठानी, आता हूँ मैं, मिलता हूँ इतना। भाई साहब जय हिंद। आइए भाई साहब, आइए आइए। और सब ठीक? क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई साहब। भाई साहब आप बहुत दिन में मिले हो, मेरे को ये बताओ कि आप मेरे मित्र हो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मदद मेरी यही है, बोलो। मैं भारत माता के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा। मुझे बर्लिन जाना है। अच्छा। जर्मनी जाना है, मेरे लिए एक पासपोर्ट का इंतजाम कर दे। अच्छा। और एक टिकट का इंतजाम कर दे ताकि मैं हवाई जहाज में बैठ करके और मैं बर्लिन जा करके। भाई साहब अभी मैं 10 मिनट में ही पासपोर्ट लेता हूँ और टिकट का इंतजाम करता हूँ। जाइए भाई साहब, अभी आया। मेरे दोस्तों उत्तम चंद पूरी मदद करता है, जाली पासपोर्ट बनवाता है, टिकट का इंतजाम करता है और ले करके कहता है ले मेरे दोस्त अब तू जा हवाई जहाज अड्डे पे, ये तेरा टिकट है, ये तेरा पासपोर्ट। लीजिए भाई साहब ये टिकट है, ये पासपोर्ट है, ठीक है। और सामने हवाई अड्डा है, आप जहाज में बैठकर जा सकते हो भाई साहब। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। मेरे दोस्तों हवाई जहाज में बैठ करके बर्लिन के अंदर जा करके उतरता है, जहां पर हिटलर और उसके मित्र सारी वहां की दुनिया इंतजार कर रही थी। और सजनों मैं साहब से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ की वो रागनी है और आप सुनाएंगे अपने मुखारबिंद से। आहा, घड़ी ना बीतीर ना पल गुजरिया, उतरिया जहाज शिखर ते और बरसन लागे फूल बोस पे, जब हाथ मिला हिटलर पे। सर यहीं आना पड़ेगा बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, बहुत बहुत मेहरबानी। ये देखिए हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे आईएएस ऑफिसर जो पंचकुला डीसी रहे हैं, ताड़ी बजाओ जोर से। सजनों जैसे महाशय सूरज जी ने बताया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक पठान के भेष में बसते बचाते अंग्रेजों की सीआईडी से, अंग्रेजों की विजिलेंस से बसते बचाते एक पठान के भेष में कलकत्ता से पेशावर गए, पेशावर से काबुल गए और काबुल से फिर हवाई जहाज के रास्ते वो जर्मनी जाते हैं। उस टाइम जो सेकंड वर्ल्ड वार है वो छिड़ा हुआ था, तो नेताजी को ये लगा कि अंग्रेजों को भगाने का ये सही मौका है और अंग्रेजों के खिलाफ जो ताकतें लड़ रही हैं जर्मनी और जापान, उनका समर्थन लिया जाए। उसी कारण से नेताजी हैं वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचते हैं। तो महाशय दयाचंद मायना जी ने इस चीज़ का क्या चित्रण किया है वो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। डीसी साहब, अब बहुत अच्छी कहानी है। अच्छा विधायक जी की भी तमन्ना थी वैसे, लेकिन एक टाइम सारा है कि वो नहीं गाई थी और मैं आपको उनकी तरफ से भी। विधायक जी की यहाँ पे प्रेजेंस है वीडियो कॉन्फ्रेंस से मुझे लग रहा है। हवाई अड्डे पे जो मौका है उसका दयाचंद जी ने कैसे चित्रण किया है कि नेताजी का जो जहाज है वो उतरने वाला है, लैंड करने वाला है और बर्लिन का जो हवाई अड्डा है उस पे खुद हिटलर है वो नेताजी के स्वागत के लिए खड़ा है और जो जर्मन महिलाएं हैं वो फूल बरसा रही हैं, गीत गा रही हैं। तो किस तरह का मैं आपको सुनाता हूँ। एर ना घड़ी बीती ना पल गुजरे, एक उतरा जहाज शिखर ते, अरे बरसन लगे फूल बोस पे, हाथ में लिया हिटलर ते,
कई ना बीती ना पल गुजरे उतरा जाए शिखर ते बरसन लगे फूल मोस पे हाथ मिले हिटलर ते बरसन लागे फूल बोस पे हाथ मिले हिटलर पे आई जर्मनी आले लोग बोसने ठाठा देखे एटी खुशी मनावे मंगल गावे फूल बगावे लेटी जर्मन आली पीरा के मां अदान जाकत टेडी लंबी लंबी पतली पतली जानू अरे बांस की पेटी भाई कोए पंद्रह हे रे 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 कोए पंद्रह कोए बीस बरस की कोए ढलरी में उम्र ते बरसन लगे फूल बोस पे हाथ मिला है टिलरे ते बोस की हिंद से ज्यादा इज्जत रखी दरिया पार बोस की जर्मन की जनता जर्मन की जनता खुश होगी मिले भारत के लीडर ते बरसन लगे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर ते घड़ी ना बीती ना पल गुजरा उतरा जाज शिखर ते बरसन लगे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर मांगा काम बोस ने बाज दौड़ के हो गया अफसर ओरे सिपाहियां की जमात खोड़ में हो गया सेवा में हाजिर हिटलर खड़ा हाथ जोड़ के हो गया बाकायदा कोठी का पैरा चारों ओड़ के हो गया पाका दा कोठी का पैरा चारों ओड़ के हो गया अरसा
रे 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 रे। सावधान के हुक्म सुना दिया गार्द के अफसर ते बरसन लगे फूल मोज पे हाथ में लिया हिटलर ते तेरे घड़ी ना बीती ना पल गुजरा अस्टड में भी फोटू रोज छपे से आजादी के भजन रागिनी झूठे लोग गपे से आजादी के भजन छंद तो मायने भी छपे से आजादी के भजन रागिनी फिर मायने में छपे भाई कथा बोस की हे रे 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 रे। कथा बोस की तैयार हुई उस दया चंद के घर ते बरसन लगे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर ते घड़ी ना बीती ना पल गुजरे उतरा राज शिखर ते बरसन लगे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर ते भाई ताड़ी बहुत धन्यवाद जी ताड़ी जोर से बहुत अच्छे सर बहुत 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 बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा हमारे बहानी खेड़े से अमेले साहब हमा इस रागनी के ऊपर खुश होकर के श्री महावीर प्रसाद जी जो हमारे आईएएस ऑफिसर हैं उनके नाम से किया 2200 रुपए का दान नगर में जय जयकार हो अरे हम भी नुके जाएंगे धनाता के तुम्हारे यशबा की रह जाएंगे नगर में आनंद कर लो जी दान तो रे वही करेंगे जिस घर वो ताया दान को वही करेंगे जिसका बाबा सवाया लीजिए इसको कहते हैं चंबोला जो आपके सामने सुनाया एक होता है चंबोला एक होता है चमोला ये फर्क होता है चंबोला और चमोले के अंदर तो लीजिए सुनिए आगे का सांग सुनिए बर्लिन के अंदर रहते सहते कुछ दिन गुजर जाते हैं सुभाष चंद्र बोस को एक लड़की थी जिसका नाम था अमेली उसके साथ में उसकी शादी हो जाती है और शादी भी कौन कराते हैं क्योंकि उनके पास में पैसा बहुत ज्यादा था अमेली लड़की के पास में हिटलर कहते हैं भाई सुभाष अगर तू इसके साथ शादी करेगा तुझे आगे पैसे की बड़ी जरूरत पड़ेगी कहीं तुमने टैंक खरीदने हैं कहीं बम खरीदने हैं कहीं कुछ करना है तुम इसके साथ में शादी कर लो तो सुभाष चंद्र बोस उनके साथ में शादी कर लेते हैं जिससे एक लड़की पैदा होती है जिस लड़की का नाम रखते हैं अनीता अनीता एक लड़की पैदा होती है सुभाष चंद्र बोस की अनीता उसका नाम रखते हैं मेरे दोस्तों रहते सहते कुछ दिन गुजर जाते हैं एक पत्र आता है एक चिट्ठी आती है एक पत्र आता है जापान से उस पत्र के अंदर लिखा हुआ था सुभाष तुम क्या कर रहे हो तुमने अब तक भारत माता के लिए क्या किया है क्या करने जा रहे हो भारत माता के लिए मेरे सजनों आजाद हिंद फौज बना लेते हैं आजाद हिंद फौज बना करके पंडुबी के रास्ते सिंगापुर में आते हैं सिंगापुर में बहुत सैनिक ऐसे थे जो कैद में थे उनको छुड़ा लेते हैं
आजाद हिंद फौज पूरी बना लेते हैं और एक नारा देते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा देते हैं और कहते हैं अरे मेरे जवानों हाँ जी चलो मेरे साथ खड़े हो जाओ। ठीक है चलिए आपके साथ है। अरे चलो जवानों रणभूमि में अरे मरना और कटना हिंद के वीर शेरो तुमने पीछे ना हटना। चलो सुनो रणभूमि में जीतना और कटना हिंद के वीर जवान शेरो पीछे ना हटना। भारत माँ की तुम प्यास बुझा दो अपने खून से। भारत माँ की प्यास बुझा दो अपने खून से। अरे पर महाशहर रंगून से हो दिल्ली का चलेंगे। अरे ये शेर कदे ना हलेंगे ना हलेंगे ना हलेंगे। अरे राइफल तोफ बम चलेंगे ओ धरती का फटना हिंद के वीर जवानों शेरों पीछे ना हटना। चलो सूर मारन भूमि तेरे गूंज उठा आसमान सारा दिल की किलकार से। अरे शेर कभी ना डरा करें दुश्मन की वार से। अरे शेर कभी ना डरा करें दुश्मन के वार से। दिखे हिम्मत और हार से हो दिलों का छटना हिंद के वीर जवानों शेरों पीछे ना हटना। चलो सूर मारन भूमि में मरना और कटना हिंद के वीर जवानों शेरों पीछे ना हटना। है दया चंद ऐसे वीर का निशदिन प्रचार हो। अरे सुन के कथा बोस की सब खुश नर नार हो। भाई सुन के कथा बोस की सब खुश नर नार हो। भाई हिंद का बेड़ा पार हो यू तो मना मर हटना। मेरे दोस्तों ऐसा युद्ध होता है मणिपुर के जंगल में बर्मा के जंगलों में ऐसा युद्ध होता है। हजारों सैनिक अंग्रेजों के मारे जाते हैं
हजारों अंग्रेज मारे जाते हैं मगर दोस्तों हंसला खत्म हो जाता है, बम खत्म हो जाते हैं, गोलियां खत्म हो जाती हैं। उधर हिटलर उनकी मदद नहीं कर पाया क्योंकि जापान के साथ उधर बम फेंक दिया, वो उधर चले गए। मेरे दोस्तों जहाज के अंदर बैठ करके हंसला लेने के लिए बर्लिन पहुंचते हैं, रास्ते के अंदर जहाज में विस्फोट हो जाता है मेरे दोस्त, और वो वहीं पर शहीद हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। मेरे दोस्तों सारा हिंदुस्तान रोता है, रोते हैं और क्या कहते हैं, कहां चले गए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कहां चले गए, क्या कहते हैं सजनों सुनिए, क्या करेंगे हम उनके बिना, कहां चले गए हमारे नेताजी, उनके बिना तो सारा देश सुना है, उनके बगैर हम तड़प तड़प के मर जाएंगे, वही तो हमारे सब कुछ थे, उनके जैसा नेता नहीं मिल सकता देश को दोबारा। हम बात देख के हारे तने कित सी शान छुपाली, हम बात देख के हारे तने कित सी शान छुपाली, आजा भारत के शेर कहाँ छिप गए बोस बंगाली, आजा भारत के शेर कहाँ छिप गए बोस बंगाली। कुछ तो सबर दिया होता किस तरिया दिल डाटे, हाय कुछ तो सबर दिया होता दरिया जोड़ समंदर में, हम कित मारेंगे गोता तन फिरे जमाना टोता, हाय रो रो आंख सुजाली, आजा भारत के शेर कहाँ छुप गए बोस बंगाली। दयान चंद रो वैसे उन तारीख दिनाने, तुम भारत में फेर ले आओ आजाद हिंद सेनाने, उसे मुस्लिम लिंग जिनाने सीमा पटाली, आजा भारत के शेर कहाँ छुप गए बोस बंगाली। मेरे दोस्तों 20 अगस्त 1945 को दाह संस्कार किया जाता है नेताजी का, उधर 1947 आ जाता है सारा भारत आजाद हो जाता है। मेरे दोस्तों एक मिस्टर जिन्ना होते थे जिसने हिंदू और मुसलमान की बात उठा करके अपना पाकिस्तान अलग मांग लिया, पाकिस्तान अलग हो गया, आधा पाकिस्तान हो गया, आधा हमारा हिंदुस्तान रह गया। मेरे दोस्तों ये सांग यहीं पर समाप्त होता है। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि एक दफा खड़े होकर के राष्ट्रीय गान का आह्वान होगा, सभी खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग, तब शुभ जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोल नगर खेड़े की।